आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, करीब 2 लाख डोज कोरोना वैक्सीन फिर पहुँची छत्तीसगढ़, टीकाकरण में आएगी और तेजी। रायपुर, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की एक और खेप राजधानी रायपुर पहुंच गई है। गुरुवार को 17 कार्टून वैक्सीन पहुंची है। एक कार्टून में 1200 वायल मौजूद है। इस प्रकार लगभग 2 लाख डोज कोरोना वैक्सीन यहां पहुंच गई है। वैक्सीन के पहुंचने के बाद टीकाकरण अभियान में और तेजी आएगी। अगली बड़ी खबर है, एक दिन में बिकी 17 करोड़ की शराब, देसी दुकानें खुली तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन ने कहा, तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी देखिए, भीड़ का वीडियो किया पोस्ट। छत्तीसगढ़ में देशी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। बुधवार को दिन भर प्रदेश में इन दुकानों पर सुबह से भीड़ नजर आई। कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकान के बाहर होता दिखा तो कई जगहों पर धक्का मुक्की के हालात थे। गुरुवार को आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, देशी शराब दुकानों की काउंटर सेलिंग शुरू करने के पहले दिन 17 करोड़ की शराब प्रदेश में बिकी। इसमें विदेशी ब्रांड की शराब की ऑनलाइन सेलिंग भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शराब दुकान के बाहर का एक वीडियो साझा किया है। ये वीडियो दुर्ग भिलाई इलाके का है। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर लिखा है, बेफिक्र होकर सोया हुआ है हाकिम, सड़कों पर मौत का बाजार खोलकर, हाथ में गंगाजल लेकर शराबबंदी का वादा करने वालों ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। कांग्रेस सरकार की कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी देखिए, रायपुर के गंज देशी शराब दुकान के बाहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बुधवार को यहां एक युवक नारियल और अगरबत्ती लेकर पहुंच गया। दुकान शटर उठते ही बाहर जयकारे लगाए और पूजा करने लगा। देसी शराब दुकान खुलने की ऐसी खुशी इस वजह से क्योंकि 9 अप्रैल से बंद दुकान 26 मई को खुली। रायपुर के फफाड़ी स्थित दुकान के बाहर तो महफिल सजी हुई थी। पीने वालों ने दुकान के बाहर ही मेला लगा लिया था। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। बीते दिन 2.11 लाख नए केस, 3,841 मौतें। राहत की बात कि 26 राज्यों में नए संक्रमितों से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में बीते 24 घंटे में 2,11,275 नए कोरोना संक्रमित मिले। इनसे ज्यादा यानी 2,82,924 मरीज ठीक हो गए, 3,841 की मौत हुई। थोड़ी चिंता की बात ये है कि दो दिन से नए केस में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे पहले 24 मई को 1.95 लाख और 25 मई को 2.08 लाख कोरोना रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। बुधवार को 75,601 एक्टिव केस कम हो गए। देश में अब 24,15,7,612 मरीजों का इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा ली है। बुधवार सुबह रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचकर कोविड-19 से बचाव के टीके की दूसरी खुराक ली। उन्होंने टीका लगवाने के बाद डॉक्टरों से टीकाकरण के बाद रखी जाने वाली सावधानियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। जिन लोगों ने टीके की पहली डोज लगवा ली है वे निर्धारित समय में दूसरी डोज लगवाएं, क्योंकि टीका ही कोरोना से बचाव का एक कारगर उपाय है। टीका लगवाने के बाद भी सभी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ की सफाई करें और फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग व परिश्रम से छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली है। संक्रमण की दर वर्तमान में 5% के नीचे आ गई है। जनता की सहूलियत के लिए लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। सभी लोग सावधानी को अपनाएं जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीती जा सके। बता दें कि मुख्यमंत्री को दीपेश्वरी चंद्राकर ने टीका लगाया। बने रहिए दोस्तों, अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ सरकार का दावा, राज्य के 9,462 गांवों में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं। हॉटस्पॉट रहे दुर्ग के 98% गांव हो चुके कोरोना मुक्त। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दावा किया गया है कि प्रदेश के 9,462 गांव कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इन गांवों में अब कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है, यानी 20,092 गांव वाले राज्य में 47% गांव कोरोना मुक्त हो चुके हैं।
दरअसल पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने देश भर के चुनिंदा जिला कलेक्टरों से कोरोना प्रबंधन पर चर्चा की थी। तब पीएम ने जांजगीर चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार से पूछा था कि उनके जिले में कितने गांव हैं और कितने गांव कोरोना से मुक्त हैं। कलेक्टर इसका जवाब नहीं दे पाए थे। अब राज्य सरकार उस सवाल का जवाब निकाल कर लाई है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि जांजगीर चांपा जिले में 887 गांव हैं। इनमें से 150 गांव कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। रायपुर के 478 में से 261 गांव कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं। सबसे बेहतर तस्वीर दुर्ग जिले से सामने आ रही है। कभी सबसे बुरी तरह प्रभावित इस जिले के 385 में से 377 गांव अब पूरी तरह कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। सरकार का दावा है कि ऐसा कोरोना प्रबंधन की कुशल नीतियों की वजह से संभव हो पाया है। अधिकारियों ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत होते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांवों में संक्रमण की रोकथाम के प्रभावी कदम उठाने को कह दिया था। इसके बाद पहली लहर के दौरान गांवों में बने क्वारंटाइन सेंटर्स फिर एक्टिव किए गए। बाहर से यहां आने वालों के ठहराने, जांच और इलाज करने की व्यवस्था की गई। अगली खबर है छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अफसर बीवीआर सुब्रमण्यम बनाए गए केंद्रीय वाणिज्य सचिव, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ कैडर 1987 बैच के आईएएस अफसर बीवीआर सुब्रमण्यम को केंद्र सरकार ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है। आईएएस सुब्रमण्यम को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसडी बनाया गया है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। आईएएस अनूप वधावन 30 जून को सेवानिवृत्ति हो रहे हैं। उनके जगह पर नए वाणिज्य सचिव के तौर पर सुब्रमण्यम 30 जून को पदभार ग्रहण करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी अनुजय सिंह, जेबी महापात्रा और अनुजा सारंगी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का सदस्य नियुक्त किया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर है बच्ची से रेप के 5 आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव में 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म। पिछले एक साल से आरोपी डरा धमका कर रहे थे प्रताड़ित। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर में नाबालिग से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग लड़की को डरा धमका कर पिछले एक साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। तंग आकर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद वारदात में शामिल 5 आरोपियों को शहर के मोतीपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर क्षेत्र के रहने वाले 5 युवक पिछले एक साल से 15 साल की नाबालिग को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। जब आरोपी लड़की को ज्यादा तंग करने लगे तो उसने अपने परिजनों को आप बीती बताई। इसके बाद लड़की व उसके परिजनों ने चिखली चौकी में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। चौकी प्रभारी चेतन चंद्राकर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि सभी आरोपी मोतीपुर क्षेत्र में है, जिसके बाद 5 आरोपियों को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया। आगे कार्रवाई की जा रही है। अगला अपडेट है, न रहे बिना मास्क के कोई। रायपुर पुलिस ने छेड़ा मास्क अप अभियान। राजधानी रायपुर अनलॉक होने वाली है। लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही बाजारों में भीड़ बढ़ गई है, लिहाजा रायपुर पुलिस कप्तान अजय यादव के नेतृत्व में मास्क अप अभियान छेड़ा गया है। इस अभियान में लोगों से मास्क दान की अपील भी की जा रही है। बिना मास्क के बाजार में घूमने वालों को ये मास्क निःशुल्क दिए जाएंगे। पुलिस कप्तान का कहना है कि बाजार खुलने पर यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि सभी नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर हर समय मास्क पहने। उनमें से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास मास्क नहीं है। यह हमारी सामुदायिक जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को मास्क उपलब्ध कराएं। कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने और लगातार आंकड़ों में गिरावट के बाद जिला प्रशासन द्वारा रायपुर जिले में बुधवार से लॉकडाउन में छूट दी गई है। बाजार, दुकान व अन्य संस्थानों को शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति मिलने से दिन भर सड़कों पर भीड़ दिखी। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है, दुर्ग में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 28 केस। यहां अब तक 4 मरीजों की हो चुकी है मौत। ANT सर्जन ने कहा, बहुत ही खतरनाक बीमारी। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी के मरीजों की संख्या 119 के करीब पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा दुर्ग जिले में 28 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 की मौत भी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के बाद अब इस बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। दुर्ग संभाग के दुर्ग जिले में ब्लैक फंगस से 4 में से 3 मौत दुर्ग जिले में, जबकि राजनांदगांव जिले में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। संभाग के बालोद, बेमेतरा व कवर्धा जिलों में अभी तक ब्लैक फंगस के मरीज मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। दुर्ग के 28 मरीजों में से 14 रायपुर के एम्स में, 12 भिलाई स्टील प्लांट BSP के सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, जबकि जिले के निजी अस्पताल में 2 मरीजों का इलाज जारी है।
दुर्ग CMHO डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले न्यूज वीडियो में ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के साथ।